नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको सोया चंक्स की सब्जी बना के दिखाने वाली हूँ। वैसे तो सोयाबीन के साथ आलू और सोयाबीन की सब्जी बनती है, पर मैं खाली आज सोया चंक्स की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके थोड़ा सा पानी रखेंगे उबलने के लिए। ये 100 ग्राम सोया चंक्स हैं, इसको उबलते पानी में डालेंगे। तो हमारे पानी में उबाल आ गया है, अब इसको डाल के बड़ी को चंक्स को और 5-7 मिनट तक उबालेंगे। इसे नरम हो जाती है और खाने में टेस्टी हो जाती है। ये 5-7 मिनट उबलेंगी, इतने मैं तैयारी कर लेती हूँ तड़के की। ये मैंने 4 टमाटर काट के ले ली, जो मैं अभी पीसूंगी मिक्सी में, और ये 6 मिर्चें हरी, और ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, और ये 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं, और कुछ धनिया हम गार्निश करने के लिए काट के रखेंगे। ये हमारी बड़ियों को उबलते हुए 5-7 मिनट हो गई हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ, इसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा निचोड़ेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बड़ियों का साइज, चंक्स का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है पानी में उबालने से, और नरम भी रखती है। ये टमाटर का और इसका लहसुन का और अदरक का पेस्ट बना लिया है तड़के के लिए। फ्रेंड्स, सोया चंक की सब्जी ये काफ़ी तरह से बनती है, पर मैं आपको सबसे आसान तरीके से बता रही हूँ, और जो तरीके होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो उनमें तेल भी ज़्यादा लगता है। 2 बार उनको फ्राई करना पड़ता है सोया चंक्स को, फिर 1 बार तड़का लगाना पड़ता है, तो तेल भी ज़्यादा लगता है, तो ये वो हेल्दी वे में नहीं होता। तो मैं हेल्दी वे में बनाती हूँ, 1 बार ही तड़का लगाती हूँ, तो तेल 1 बार ही लगता है इसमें। तो प्याज वैसे अगर डालना चाहो तो ज़्यादा डाल सकते हो, तो पर हमारे यहाँ पे अभी महंगी है प्याज, तो मैंने 1 डाल दिया इसमें। अभी थोड़े से गर्म है, सोया चंक्स थोड़े ठंडे हो जाएंगे जब इनका पानी निकालना है। जब ये चम्मच थोड़े ठंडे हो जाएं तब जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे इसमें से। तो ये एक्स्ट्रा पानी हमने सारा निकाल दिया है। तड़का लगाने के लिए हम कोई भी तेल ले सकते हैं, ये मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। ये 4 चम्मच भर के डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल। दो तीन मैंने तेज पत्ते लिए हैं, और एक ये साबुत वाली इलायची ली है, बड़ी इलायची जो होती है, और जो हमने ये लहसुन का और अदरक का पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो मीठी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें 6 हरी मिर्च मैंने पीसी हुई है टमाटर में, तो इसलिए मैं मीठी मिर्च डाल दूँगी। तो ये हमारे मसाला थोड़ा सा भून गया है, अब मैं प्याज डाल दूँ। और जितना सब्जी में मैं नमक डालूंगी वो नमक मैं अभी डाल दूँ, तो ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने छोटी वाली चम्मच नमक डाल दिया है, तो जो
नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि मतलब कि मैं नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि तड़का जल्दी गोल्डन हो जाता है उससे और स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है तड़के में नमक डालने से। तो चाहे तो आप एक चुटकी नमक डाल सकते हैं गोल्डन करने के लिए प्याज, और चाहे तो आप जितना सब्जी में डालेंगे उतना सारा डाल सकते हैं। तो मैंने जितना सब्जी में डालना चाहती हूँ तो मैंने उतना सारा डाल दिया है, डेढ़ चम्मच करीब। इससे जो ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट अगर नीचे चिपकता तो ये नमक डालने से वो चिपकेगा भी नहीं कढ़ाई में। प्याज थोड़ी गोल्डन हो गई है, अब मैं सूखा धनिया डालूंगी इसमें एक चम्मच भर के। एक छोटी चम्मच हल्दी डालूंगी, एक छोटी वाली चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा चरचरी तीखी नहीं होती पर इसका जो कलर आता है वो अच्छा होता है। अब ये जो प्योरी बनाई थी मैंने टमाटर की और हरी मिर्च की ये डाल दी। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब एक इसमें एक चम्मच गरम मसाला है और एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी है। इसमें अब चंक्स डाल के तो जितना हमको जरूरत हो उतना हिसाब से हम पानी डाल लेंगे। किसी को ज़्यादा तरी पसंद होती है, किसी को कम तरी पसंद होती है, तो उस हिसाब से पानी डाल लें अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसको हम 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे फिर देखते हैं। 2-3 मिनट हो गई है और हमारी ये सब्जी बनके तैयार है। ये पानी इसलिए मतलब कि पानी में हमने पहले इसको बॉईल किया था, उबाल लिया था, तो इसलिए पानी ज़्यादा नहीं सोखती है बाद में। तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी डालें, ज़्यादा ना डालें नहीं तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगी तरी और फिर ये सोखेगी नहीं बढ़िया। अब धनिया गार्निश करने के लिए तो हमारी सोया चंक्स की सब्जी तैयार है और ये कुछ ही मिनटों में बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और फ्रेंड्स आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।